चित्त वृत्तियों के विरोध को योग कहा है। जब एक साधक साधना करता है, मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, धीरे 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 उसकी क्लिष्ट वृत्तियां समाप्त होने लगती है, नेगेटिविटी हटती जाती है और पॉजिटिविटी और बढ़ता जाता है। योग बहुत प्राचीन विद्या है। भगवान कृष्ण गीता में कहा, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मनवे प्रा मनोविच्छवा कवे भवि। ये अर्जुन, हमने ये योग सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु राजा इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद ये योग लुप्त हो गया। आज मैं पुनः उस योग को तुमको बतला रहा हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय जो गीता बनी, 18 अध्याय लिखे गए, उसमें पूरा योग का विस्तार से वर्णन किया और अर्जुन को निमित्त बनाया और सारे संसारों के लिए, संसारियों के लिए योगी बनो, योगी बनो, ये चीज सामने लाए। योग हवाई जहाज का मार्ग है, बहुत जल्दी इससे प्राप्ति होती है, जल्दी ईश्वर तक को प्राप्त कर लिया करता योग में वो ताकत है। यस विद्या के सर्विदम ज्ञातम भवति सहसा योग विद्या, विद्या इसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। बिना योगे न देवो बिना मोक्षम लभे तत्तुदे, शास्त्र कहता है कि बिना योग के देवताओं को भी मोक्ष नहीं मिलता है। देवताओं को भी कुंड खत्म होने पर नीचे आना पड़ता है और उसके बाद योग मार्ग में लग के उनको मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में गीता में कहा, यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पादो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति त्रोवादिति मतिमम। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, क्या कहा, योगेश्वर, योग का शक्तियों का मालिक, अचिंत शक्तिमान योगी, नाना रूपाणी धारे संग्रेच प्रस्तानी स्वेच्छा विद्येंद्रिय नासो मरण मापनोति पुनर्योग बलेन्तु हटेन प्रत्येवासो मृतस मरणम कुता मरणम यस सर्वेशा स परिजीवति यत जीवन्ति मूलात्मासो मत एव कर्तव्य तस्याति कृते नासो लिप्ते जीवन मुक्तसा स्वच्छ सर्व दोष विवर्जिता। क्या कहा शास्त्र में, ये योगी महाशक्तिमान है, नाना रूपाणी धारे अपने एक समय अनेक रूप बना लिया करता है, हजार रूप बना लेता है निर्माण कार्य के द्वारा, इसे भगवान कृष्ण ने किया। इस समय गोकुल के अंदर उनके मन में आया महाराज करना है, गोपियों को आह्वान किया, बुलाया, हजारों गोपियां इकट्ठी हो गई, राधा जी के साथ भगवान कृष्ण बीच में खड़े हुए थे। गोपियों के मन में आया, देखो कन्हैया जब भी खड़े होते राधा के बगल में खड़े होते हैं, हमको बुला देते हैं, खाली वजह से नाच नचा के भगा देते हैं। तो भगवान के मन की बात की जान गई, योगी मौजमिता सिद्धि के द्वारा किसी के मन की बात को जान लिया करता है। कैसे जान लेता है, महाभारत में वर्णन आता है, जिस समय हस्तापुर के अंदर द्रौपदी साड़ी खींची जा रही, तो चाले दुशासन खींच रहा था, वो बड़े बड़े महारथी योद्धा तपस्वी कृपाचार द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और खुद उसके जो हार के बैठे हुए थे जिसकी गर्दन छुपा के पांडव, सबके पास गई प्रार्थना करी, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ, पर कोई उसकी लाज बचाने की सामर्थ्य वाला नहीं था। दुर्योधन का अन्न खाकर सब उसके गुलाम बन चुके थे, ऐसा अन्न तथा मन ने जैसा अन्न खाओ वैसा मन बन जाया करता है। हमारे यहाँ क्यों प्रथा है, कुछ भी खाओ भोग लगा के खाओ, उससे क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है, वो नुकसान नहीं करता है, वो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करता है, ये हमारे महाराज जी बताया करते। तो जब उसने देखा इन लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि मेरी रक्षा कर सके, तब क्या कहती है वहां पर, कृष्ण कृष्ण महायोगी कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवाणां निमग्नमां कितना पश्यत्।
कृष्ण कृष्ण महायोगी, क्या कहा यहां पर, महायोगी। इसका अर्थ क्या है, एक साधारण योगी अपने भक्ति पुकार सुन लिया करता है, जिसका मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए, इनका हो जाए, इनका किसी का हो जाए, थोड़ा सा एकाग्र हो जाए, तो उसके एकाग्रता से वो किसी की बात को सुन सकता है। जो खाली तीन चक्रों पार करके लय का कर ले संप्रज्ञात समाधि की चौथी श्रेणी में आनंद, इतना जिसका उत्थान हो जाए शक्ति का, भजन गाते हुए शक्ति का उत्थान के कई तरीके हैं। भजन गाओ, जाप करो, ध्यान करो, डूब के गाओ, जो भी गाओ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, उनको रिझाने के लिए करो। तो क्या हुआ, कृष्ण कृष्ण महायोगी कृष्ण गोपी जनप्रिय कौलवाणम मग्नवान किंदा पश्यति केशवा। हे गोपियों के प्रिय, हे ग्वाल ग्वालों के प्रिय, हे महायोगी, क्या आप तक अभी तक मेरी आवाज नहीं गई। दूसरी बात क्री का है, कृष्ण पुरा जी का क्या कहा, क्री, तुरंत वहां भगवान ने क्या किया, बोल रहा हूं मैं, मोजविता सिद्धि के द्वारा तुरंत उनके मन की बात को जान लिया, किनकी मन की बात को, द्रौपदी की, और क्या हुआ, तुरंत एक शरीर से, वहां तुरंत एक शरीर से रुक्मणी जी के साथ है, रुक्मणी चरण दबा रही है, योगी की सामर्थ देखो, और शरीर दूसरा बनाया तुरंत मोजविता के द्वारा, योगी का मन जाता है, मैं योगी स्वयं पहुंच जाया करता है, उसके मन में आ गया। अच्छा दिल्ली में उनको वो कष्ट है ना, याद कर रहे हैं, तो वो पहुंच जाएगा दृश्य, मेरे प्रभु जी पहुंच जाएंगे। अभी कल स्वीटी बता रही थी वो कि मैं इंग्लैंड में थी, वहां थी, तो वो एक काम था मेरे बेटे का, उसको बाबा पिया लेने के लिए दो बार फेल हो गया, निराश हो गया, तो मैंने कहा तू गुरु जी आगरा में होंगे, मेरे लिए बोली उनको याद कर, और देख फिर पेपर देने जाता हूँ दे रही हूँ कॉलेज में, साथ ही रही हो, इनको बाबा छोड़ रही हो, उसकी भावना है, भाव है। तो वो वहां इंग्लैंड के अंदर बच्चा पेपर देने गया तीसरी बार, तो उसके 24 में से पूरे 24 नंबर आए। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे ही तुम लोग जानते हो उषा भाई को, मम्मी वाली को घटना याद आ रही हो, ये उषा भाई यहाँ पर सेवा करने आती है, सवाई आश्रम में कुछ 8 महीने रुकती है, आगरा मेरे पास 2-2 महीने रुकती है, खूब सेवा करती है, और वहां उसके बेटे पे आशीर्वाद जाता है। उसका बेटा धीरे धीरे बढ़ते हुए आज शेयर मार्केट में बहुत अच्छा उसका नाम है, काम है उसका, अभी यूट्यूब पे उसका वो भी आया था, इंटरव्यू हुआ था उसका, उसने बताया कैसे कैसे वो आगे बढ़ा है। अब शिवम, शिवम अग्रवाल, उसने अपने खुद चैनल बनाए हुए हैं, टीवी पे प्रातः काल 8 बजे आता है वो, उसके शेयर के बारे में बताया करता है, बात करता है। तो उषा भाई समाई धाम में सेवा करने समय घटना है, अभी की मामले की शरीर छोड़ने के बाद की, तो उसके एक पेपर होता है सीएफए होता है, कोई साइड सीएफए होता है पेपर, तो वो पेपर को दिया उसने, 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार पेपर देने की उसने मम्मी से कहा, मम्मी आश्रम की मम्मी अब मैं पेपर नहीं दूंगा, बस हो गया, बहुत मम्मी को मैंने कर दिया, मम्मी अपनी सेवा में मस्ती, मध्य तेरी इच्छा है। तो रात को देखो सेवा का फल, रात को शिवम के सपने में श्री माता की बात, क्यों रे क्यों पेपर नहीं दे रहा है तू, अरे फेली तो हो जाएगा तीसरी बार, फेल हो जा दे ले पेपर, और उसने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा बेटा माता जी कहिए दे ले, और उसने पेपर दिया और बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। भगवान की तो ये बड़े होता सिद्धि के द्वारा, जहां उनका मन जाता है वहां वो स्वयं पहुंच जाया करते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक शरीर से तो कहां रहे, रुक्मणी चरण दबा रही है, कहां पर है, कहां पर है बताओ, द्वारका में, और दूसरे से निर्माण काय किया मैंने सिद्धि के द्वारा, कहां पहुंच गए, हस्तापुर, और क्या किया वहां पर फिर एक मुहावरा था 8वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, साड़ी है ऐसी साड़ी अच्छी बढ़ाया उसका, वह उसकी दाल ये योगी। तो अजित शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रे चमस्तानी स्वेच्छा विपेंद्रिय। एक योगी महाशक्तिवान होता है, अनेक रूप अपने रखने करता है, जब चाहता उनको समेट ले, और तीनों लोकों में स्वच्छंद वितरण करता है। अरे योगी की तो बात ही छोड़ दो,
योगी का जो बच्चा होता है ना, दीक्षित बच्चा, यमराज की ताकत नहीं है, उसके पास खड़ा भी हो जाएगा, दूर से भाग जाएगा देख के, ये प्रभु रामदास जी महाराज के दरबार का बच्चा है, भाग दो यहां से, अभी प्रभु जी आ रहे अपने इंद्रियों को मार लिया करता है, अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया करता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया करता है, उसको बुढ़ापा कभी छूता ही नहीं, क्योंकि उसकी इंद्रिय उसके बस में होती है, जब चाहेगा उसको इस्तेमाल करेगा, वापस खींच लेगा। परांची खानी पितृत शंभु तस्मात् प्राण पश्यतर आत्मन कश्चित् धीरः पृथक् आत्मन नैच्छत् अवलक्ष्यमृतक् मिच्छन्। क्या कहा है? परांची खानी जो अपनी इंद्रियों को ऐसे निगले कर लिया करता है, पितृत शंभुस्मात् प्राण पश्यतर आत्मन अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया करता है, कछुओं की तरह सुकून दिया करता है, कश्चित् धीरः पृथक् आत्मन। क्या कह रहे हैं हमारे शास्त्र? ऐसा कोई एक बिरला होता है जो उस सत्ता के पास पहुंचा करता है, जिससे मन जुड़ा करता है। तो अटेन में तेवा सब मित्तस मरणम पुता मरणम यह सर्वेशम दस और पुरी जीवती यत्र जीवंती बुढ़ा सुदस और मैं तेवे कर्तन में तस्यास्ति किते नासो न उपते और जीवन में तस वच्चे सर्व दोष निवर्त। क्या करते हैं? एक योगी जिस समय संसारी लोग भोग विलास में रत रहा करते, अपनी शक्ति खत्म करते रहते हैं, ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं, कब? दिन में। योगी उस समय क्या करता है? मरण अवस्था में सो जाता है, सो जाता है शांत हो गया। और जब रात में संसारी लोग भोग विलास में लिप्त रहा करते हैं, योगी उस समय जगकर अपनी साधना करता है, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करता है। तो कर्तव्य दस्तास्ती तो नासो लिपते जीवन के साथ कोई कर्तव्य उसने नहीं रहता, कोई दोष को छू नहीं सकता है योगी को, फिर भी वो कर्तव्य करता है, वो उठता है, वो नहाता है, वो आसन करता है, वो सारे काम करता है। क्यों करता है? ताकि संसारी लोगों को शिक्षा मिलती रहे, भाई वो करता है तो हम भी करें, वो कर रहा है तो हम भी करें। तो ऐसे योगी लोग हैं, योगेश्वर के दरबार में आप बैठे हो। भगवान किसको कहने का मतलब है? पूरी गीता के अंदर योगेश्वरी का भक्ति योगो नाम, ज्ञान योगो नाम, सांख योगो नाम है ना, और जहां भी देख लो विषाद योगो नाम, योग योग योग, क्योंकि तो योगी ही हुए उससे बढ़कर तो सही योग से बढ़कर। तो श्री प्रभु जी योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज जो नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पर एक शरीर से आज भी विराजमान है, निर्माण काय के द्वारा 16 शरीर एक साथ बनाकर आए। कैसे? बताया ना, इसे भगवान कृष्ण ने किया। अंगना मंत्रो माधव मंत्रे अंगना इतमा कल्पते मंडले मतगा संजगाओ बेरुना देव की नंदना। सबके मनों की बात को जानकर शायद संसार को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण ने, शायद संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने क्या किया? वहां पर निर्माण कार्य किया। अरे श्री प्रभु जी ने 16 शरीर एक साथ बनाए। जब प्रभु जी ने देखा संसार में हमारे संस्कारी बच्चे हैं, कितना दरबार है हमारा, श्री माँ जी गुरुदेव जी प्रभु जी उसके बाद एक महाप्रभु जी जिनकी आज तक कोई आयु का, कोई कहता है 14,000 वर्ष से बैठे हैं, कोई कहता है 20,000 वर्ष से बैठे हुए हैं, आज तक उनकी आयु का पता नहीं कर पाया। वो महाप्रभु जी ने प्रभु जी को आज्ञा दी, जाओ संसार में तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा हमारे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको योग मार्ग में लगाओ, जिनको सही रास्ते में लगाओ, जाओ। तब प्रभु जी ने देखा हाँ उनके संस्कारी बच्चे हैं। तब प्रभु जी ने वहां पर क्या किया? देखा एक साथ एक शरीर से जाके तो किसी भुगतान नहीं हो पाएगा, तो अन्य कई शरीर बनाकर श्री प्रभु जी यहाँ इस अवधि मंडल पर आए। प्रभु जी खाली प्रभु जी की तस्वीर की बात में तो बता दूं, जिस घर में उनकी तस्वीर रखी होती है, यशंदा से आरती पूजा होता है। अभी हमारे भाजी घटा सुनाया करते थे, महाराज जी के बड़े गुरु भाई नरसिंह मूर्ति जी महाराज, उनकी शिष्या मद्रास की रानी पद्मावनी प्रभु जी के स्वरूप को लेकर काम कोटी शंकराचार्य जी मां आए हुए थे, जगत सरस्वती जी महाराज उनके पास लेकर गई,
और उनसे पूछा, महाराज ये बताओ ये क्या है? वो हमारे समुदाय के नहीं थे, लेकिन थे दृष्टि वाले, दृष्टि वाले चार समुदाय। उनने दिया स्वरूप को, हाथ से लिया, तीन बार बोले नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं। अरे नानी, बोले इनकी तो महिमा का वर्णन क्या करूं, इनकी तो तू बात ही छोड़ दे, खाली जिस घर में इनकी तस्वीर विराजमान है उसकी महिमा सुन पहले। वे जहां पर इनकी तस्वीर विराजमान है उस घर में हजारों को, उस तस्वीर में हजारों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत है। बोले महाप्रभु रामलाल जी महाराज की जय। एक बार हमारे महाजी के बड़े गुरुभाई श्री लखराज जी महाराज ने प्रभु से पूछा, हरिद्वार का कुंभ मेला लगा हुआ था, हमारे बीच कुंभ मेला इलाहाबाद में भी लगता है, 40 कुटिया बनती है, हम लोग सब जाते हैं वहां पर। तो मेला लगा हुआ था हरिद्वार में, कैंप का कुंभ का मेला था, महा कुंभ था। तो मुदखराज जी महाराज थे, प्रभु से बोले प्रभु जी यहाँ पे इतने साधु लोग आए हुए हैं, तो इन साधु में किसकी कितनी पावर है, कैसे प्रभु जी पहचानेंगे? प्रभु जी ध्यान में बैठो और देख लो। उनका ध्यान लगता था, मुदखराज जी महाराज ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ के देखने लग गए, कोई महात्मा का प्रकाश 10 किलोमीटर तक, किसी का 5 किलोमीटर तक, किसी का 20 किलोमीटर तक, किसी का थोड़ा और दूर तक। फिर देखते करके मन में आया, क्यों ना मैं अपने प्रभु जी का प्रकाश देखूं, प्रभु जी का कहां तक जा रहा है। तो ऐसा सोच के उन्हें आगे बंद करी और देखना शुरू किया, तो प्रभु जी के एक किरण को हजारों कर प्रकाश की निकल रही थी, एक किरण को पकड़ते हुए मुरखराज जी महाराज चलते गए, स्वर्ग वर्ग सब पार होते चले गए। उस किरण का उनको आखिरी छोर नहीं मिला। धीरे से प्रभु जी उठे और प्यार से ऐसे एक चपत लगाई, क्यों रे हमसे पूछ के हमारे इंतजार में लग गया। सदगुरु भगवान की जय। वैसे श्री प्रभु जी एक उचित की घटना मुझे याद आ रही है। एक बार यहाँ पर पहले जनक चली आती थी, जनक बहन जी गई, तो उसने दीक्षा ले ली यहाँ से। उसने अपनी बहन से कहा, उसकी बड़ी उसकी बहन की है, कि तू भी जा प्रभु जी की दीक्षा ले ले, माता जी से दीक्षा ले ले। कहते गुरु बिना जुए बहुत जरूरत होती है, गुरु संभाले सारे काम, तू ले ले। तो उनने उसकी बातों में आ गई, वो यहाँ पे आ गए और दीक्षा ले ली उसने। और दीक्षा लेने के बाद अब दीक्षा में उसकी, मैं बैठा हुआ था पीछे, मैं सबको दीक्षा में स्वरूप दे रहा था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो जब उसका नंबर आया, स्वरूप खत्म हो गए हमारे पास, तो हमने उससे कहा, हमने कहा दा मुझे भी दे। तो मैंने कहा कि अब तो स्वरूप है ही नहीं, खत्म हो गए। अब वो बड़ी बूढ़ी वो भी अरे आने की, बट मेरे पगड़ में बैठ गई, तेरे मंजे में बैठ गई मैं। और एक सुन ले, मैंने भी देवी जी को माँ जी को दीक्षा में पूरे 5 रुपए दिए, स्वरूप तो मैं लेके जाऊंगी, क्यों भी नहीं। अरे मैंने कहा मुझे भोजन करने जाना है और कुछ नहीं करने जाएगा तो मैं स्वरूप दे मुझे। तो भैया हरियाणी वाली अलग नहीं है सब। तो मैं क्या किया, एक माँ का स्वरूप रखा था बीए की डिग्री का छोटा सा, है ना, मैंने उसको उठा के वो दे दिया, ले इसको ले जाए, चल कुछ तो दिया, जब आ जाए तो मुझे बता दिया, फिर लेने आऊंगी आज जी कल। स्वरूप तो मंदिर में रख लिया। अब क्या हुआ, वो बीमार पड़ी तो उसकी उम्र की सहेलियां उसको देखने के लिए आई, तो बोली ए तू बीमार पड़ गई, तेरे गुरु तो बनाया नहीं कोई, अब तेरी यमराज के दूध के जरिए मरेगी तू, यम दूध के जरिए मरेगी। तो बोली ना मैंने गुरु बना लिया। राजिया कहाँ तेरा गुरु, देख अंदर से तस्वीर रखी है देख के आओ। अब वो अंदर गई देख के आई, देखा वो बीए की डिग्री का स्वरूप था वहां का। ए तेरे ये क्या गुरु बनाई, जरा सी छोरी ये छोरी होगी डिग्री फिग्री वाली, ये तो तू गई काम से, तेरे यमराज फाड़ेंगे, तेरे प्राण यमराज खींच के ले जाएंगे, तू इतनी छोटी छोरी, छोटा गुरु। अब वो तो चली गई आग लगा के, और बेचारी रात को सोचते सोचते सो गई, छोटा गुरु छोटा गुरु छोटा गुरु, और सो गई। क्या देखती है, योगी लोग क्या करते हैं, जब साधना करते करते सहस्त्रार में पहुंच जाया करते हैं, तो सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। अरिमा गरिमा महिला अरिमा का द्वारा छोटा बन जाना, हनुमान जी ने
संसार के मुंह में पहले उतना रूप बना लिया है ना, कितना रूप बनाया पहले पवन कुमार राम काज कर फिर मैं आवो सीता किस प्रभु में सुनाबो सतयोजन तई आनन कीना अतुल रूप पवन सिंह बजरंग बली की जय। हनुमान जी का किया वहां पे अड़वा सिद्धि के द्वारा रूप बना लिया, अपना रूप फैला लिया, सब तो योजन समझ कितना हो गया। और तो उन्होंने क्या किया, इतने से बन के और उसके मुंह में घूम के निकल गए और उससे आशीर्वाद प्राप्त करके आगे अपने काम पर चले गए। ये अड़वा होती है, एक होती है महिमा। महिमा ऐसे बावन भगवान ने किया था, जब बाली से उन्होंने दान मांगा उस तीन पर भूमि, उन्होंने क्या किया महिमा का प्रयोग किया। यहाँ पे जमीन में उनके पैर थे, शीश उनका आकाश में था। योग के द्वारा भगवान क्या है, विष्णु जी योगी, शंकर जी योगी है ना, ब्रह्मा जी योगी, तो उन्होंने उसको बड़ा किया। ऐसे श्री प्रभु जी ने क्या किया, वो बुढ़िया क्या देखती है कि पैर चरण तो प्रभु जी के जमीन को छू रहे हैं और शीश आकाश को छू रहा है। वो क्या कहती है, छोटा गुरु छोटा गुरु, देख मैं कितना बड़ा गुरु, देख देख बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत डर गई, मैं तो बहुत डर गई, प्रभु जी वो चिंता मत कर, मरी अभी नहीं मरेगी, जब मरेगी ना तो मैं तुझे उतारने के लिए आगे ही खड़ा रहूंगा। बोलिए महाप्रभु रामलाल जी महाराज की जय। और ये जो मंत्र मिला है ना मंत्र, वो मंत्र मेरा ही मंत्र है, वो मंत्र मेरा ही मंत्र है, और तुझे ही नहीं तेरे परिवार में तेरे ही कारण जिसमें भी संकट आएगा सबको उबारने के लिए मैं आगे खड़ा रहूंगा। ऐसा कौन कह सकता है, ताकत वाले योगेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दे दिया क्या, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजे एवं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, पापी से पापी आत्मा भी सारे धर्म को छोड़कर सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको सारे पापों से मुक्त करके अपने जैसा ही बना दिया। ऐसे श्री प्रभु जी ने क्या किया, वहां पर महिमा सिद्धि का प्रयोग किया। अब वो सुबह ही सुबह 5 बजे फिर मेरे पास आ गई, मैं नहा के ऐसे करके बैठी बगल में आकर सीधी गद्दे पे बैठती थी, मैं तो बैठती नहीं थी। मैंने क्या हुआ, बस बस मैं तो सांस रुक सांस लेने रुक जा पहले, कह ठीक है कोई, मैं तो मैं बोली रात को छोटा गुरु प्रभु जी को तो दम आ गया, मैं तो डर गई देख के, मुझे ऐसे बोला क्या बोलती सारी बात उसने मुझे बताई। फिर मैंने कहा बोली जय तीन दिन का पता ही कुत्ता भिजा देगा जी ले ले। और मैंने कहा स्वरूप मस्त बालों में छुट नहीं मारती ये बालों में लेगी, और मुझे रचना भी दी कहा माँ दीक्षा में दिए माँ को, और मुझे 51 रुपये दिए रचना भी दिए और उसकी माँ को छुट्टी दी। ऐसे हमारे शरीर में उनसे योग की लीला है, योग के द्वारा कमाल होता है। आज भी उनकी कृपा उसी प्रकार हो रही है, मैं पूरे भारत वर्ष में प्रोग्राम में जाता हूँ, बड़ी बड़ी घटना अपनी कृपा हो रही है। मैं शाम को बताऊंगा अभी सर्व भी हो रहा है, आरती भी करनी है, ठीक है ना। ऐसे मेरे श्री प्रभु जी कैसे है, सिद्धों के भी महासिद्ध है प्रभु जी मेरे, सिद्धों के भी महासिद्ध है प्रभु जी मेरे, कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे, कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे, प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे, कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। कभी दिखे आकाश पृथ्वी पर दिखे, कभी कभी दिखे आकाश, सिद्ध गुफा के सिद्धेश्वर, सिद्ध गुफा के सिद्धेश्वर है प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे गुरु 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 जी मेरे, कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे, कालों के भी महाकाल है।
बनेगा
तो कलयुग काल को जाल लिए फिरता तन नम से चोट जिली ना जिली तो कर ले हरि भजन हरि रसना Thank you.